तो हनुमान जी की पूंछ से, और रावण अगर किसी को डरता भी रहा तो केवल बजरंग बली से, बाकी उसे किसी का डर नहीं। राम जी को तो कहता था बनवासी, अंगद जी जब गए तो अंगद जी से बोले सुनो बाकी बंदर तो समय से ये नाश्ता में खा जाएंगे पर एक बंदर खतरनाक। अंगद जी बोले कौन है? तो नाम तो जानता नहीं था रावण। बोले जही जारा नगर प्रथम, जिसने पहली बार आके आग लगाई वो बहुत थोड़ा खतरनाक है। एक बार रावण ने सेना से कहा जाओ बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। चार प्रकार की सेना भेजी, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार, पैदल। अब चारों सेनाएं हनुमान जी को पकड़ने आई। राम जी बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी सेना चार प्रकार की, दरवाजे भी चार और प्रकार भी चार, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल, अब लड़ेंगे कैसे? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु तुम टेंशन ना लो, हमें दो टेंशन जा अब निपटा के आई। लक्ष्मण जी बोले जा, किसी ने कहा जा तो रहे मुगधर तो ले लो मुगधर। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। बोले क्यों? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो राक्षसों का, राक्षसों के लिए उन्हीं का सामान काफी है। आदमी किसी का घर जलाने जाएगा, घर में आग लगाने जाएगा तो तेल ले जाएगा, माचिस ले जाएगा, पेट्रोल ले जाएगा, फिर जलाएगा। पर धन्य है वीर बजरंग बली, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस फूंक के हनुमान जी चले जा। हनुमान जी ने पूरी सेना डेढ़ दो घंटे में स्वाहा कर दी। संवाददाता आए, रावण बोले बंदर कहाँ है? संवाददाता बोले वो तो वहीं है। रावण बोले सेना? संवाददाता बोले मर गई। रावण बोले इतनी भारी सेना कैसे मर गई? संवाददाता बोले हुजूर बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। रावण बोले मूर्ख थे जो सामने गए, पीछे से जाते। संवाददाता बोले सामने वाले तो 10-15 मिनट टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक भी नहीं पाए। रावण बोला कैसे? संवाददाता बोले पूंछ, अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो चलो भाई इतने में मत जाना, दिस इज डेंजरस। अब पूंछ घट जाए बढ़ जाए और जितने आवे से सब स्वाहा हो जाए। रावण ने पर दूसरी बार अजर अमर सेना भेजी जो मरेगी ही नहीं। अब तो लो भैया खतरा है। राम जी बैठे, संगोष्ठी बैठी, इमरजेंसी मीटिंग बैठी। विभीषण जी बोले क्या हुआ? राम जी बोले सेना आ रही। विभीषण जी बोले अमर सेना आ रही, अजर और अमर। तो लक्ष्मण जी बोले दिक्कत क्या है? अरे बोले लड़ने से फायदा ही क्या है, मरना है ही नहीं। हनुमान जी बोले कि अगर वो अमर है तो हम भी अमर है। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी के जान दो जो बढ़िया है अमर अमर की लड़ाई। हनुमान जी गए, हनुमान जी लड़े नहीं, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई और जितनी अमर सेना थी पूरी पूंछ में बांध ली रस्सा की भांति। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा और पूंछ को जोर से घुमाया और ऊपर छोड़ दिया इतनी जोर से, पूरी सेना गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब अमर बने रहो, लटकते रहो ऊपर नीचे आए ही नहीं पाओ।